बरेली जिला अस्पताल बरेली का जल भराव से बुरा हाल। कई महीनों से यहाँ गटर से पानी निकलता है और उसकी सफाई पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिला अस्पताल बरेली का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ पर हर बरेली जनपद के कोने कोने से लोग सरकारी सुविधा लेने के लिए आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, मगर जब यहाँ गंदगी को देखते हैं तो नाक बंद करके अपने मरीज को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं दिखाने के लिए। स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिला अस्पताल पर मरीज सही होने के भरोसे पर आते हैं, पर गंदगी बदबू को देखकर उनकी ये आस टूट जाती है। ऐसे पर मरीज कैसे ठीक होंगे? जिस अस्पताल में गंदगी और बदबू से भरा हो वहाँ कभी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब इस पर सरकार क्या करती है ये देखने का विषय है। देखिए पूरी खबर सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। ये वीडियो बनाएगा फिर एंट्रिंग ये करो कि यहाँ बनते हैं पर्चे। ये बरेली का स्मार्ट सिटी है जहां पर अभी हम बात कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हूँ जहाँ पर जल भराव से पूरी गंदगी हो रखी है, डिब भरे हुए हैं और यहाँ पर लोग मरीज़ को सही करने के लिए लोग आते हैं कि हमारा इलाज हो, सही हो, गंदगी ना हो। मगर आज आपको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर जल भराव काफ़ी महीनों से भरा हुआ है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में मरीज़ कैसे सही होंगे? क्या यहाँ से डॉक्टर, नर्स और इनका स्टाफ क्या निकलता नहीं होगा या उन्हें इस पानी को दिखाई नहीं दे रहा होगा? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आखिर जब एक सरकारी अस्पताल में यह हाल है तो और जगह पर क्या हाल होगा। यहां पर अधिकारी भी आते हैं, यहां पर सीएमओ भी बैठते हैं, क्या उनको नहीं दिखता है कि यह अस्पताल में कितनी गंदगी हो रही है, किस हिसाब से यहाँ पर मरीजों को कैसे सही किया जाएगा? और ये गंदगी आज से नहीं है, यह हर बार की गंदगी हो गई कि जल भराव हमेशा यहाँ भरा रहता है, मरीजों को दिक्कतें आती हैं, सफाई सुथराई नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ये हालात हैं और इसको स्मार्ट सिटी बनाने पे लगे हुए हैं यहाँ पर, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नेता हो या कोई मेयर हो। मैं उनसे सवाल इस बात का उठा रहा हूँ कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर गाँव से, शहरों से हर लोग आते हैं और अपने मरीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पर लेके आते हैं। जब ऐसे हालात में यहाँ जहाँ पानी है, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं भी सही से चल नहीं पा रहा हूं, हर जगह पानी और गंदगी भरी हुई है, बदबू इतनी आ रही है कि यहां पर बगैर नाक ढके आप इस अस्पताल में एंट्री कर ही नहीं सकते। और इस तरह से आंखें बंद कर रखी हैं सरकार ने और जो भी स्थिति इस टाइम हो रही है सब देखते हैं, सबको पता होता है, मगर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बस ये सरकार से दरख्वास्त लगाता हूँ कि जहाँ पर अस्पतालों में यह ऐसी कंडीशन या ऐसी गंदगी रहेगी तो वहाँ पर मरीज कैसे सही होगा? आपका नाम क्या है मैडम? रेखा। आप यहाँ पर कब से हैं? 10 महीने हो गए। 10 महीने है। क्या ये आपको गंदगी रोज दिखती है इस तरह की? जो तो करता है, जो गंदा का ये भरो ही रहता पानी। तो इसमें सफाई होने की तो जरूरत है ना कि फिर भर जाता। तो ये तो हमेशा ही रहता पानी, तो हमेशा देखा गया है। ये गटर का पानी है जी? गटर का है पानी है। हाँ तो गटर का पानी है तो बीमारी की जड़, इसी से बीमारी बढ़ती है ना। यहाँ मरीज आता है तो काय के लिए आता है? सही होने के लिए आता है। और जब यहाँ पर गंदगी और गटर का पानी जब बाहर निकलेगा तो मरीज क्या सही होगा? नहीं। तो यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, जहाँ गटर का पानी निकल रहा है यहाँ बदबू इतनी आ रही है कि आप खड़ी हो पा रही है यहाँ पर? नहीं। तो आप, ये खुद यहाँ के स्टाफ है जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर खुद गटर का पानी रोज निकलता है, इसकी सफाई की कोई भी देखरेख नहीं की जाती है। आपको बता दूं कि इस वक्त जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आज रविवार है इसलिए यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है और वैसे अन्य दिनों पर यहाँ इतनी भीड़ रहती है तो लोग इसमें से गंदगी में से निकलते हैं और निकल के जाते हैं। कैमरामैन
शमशुल अहमद के साथ मैं सैयद सलमान, LTT न्यूज़ बरेली।